बरी कर दिया गया उन लोग को तो फिर हत्यारा कौन है तीन साढ़े तीन साल बीत गया सजा होगा और वो लोग रिहा हो गए तो हम क्या किसे उम्मीद लगा इन जो हमको सीसीटीवी फोटो दिखाया गया उसमें इसी का दिखाया गया है कि कैसे वो पीछे करते हुए आया इसके द्वारा दिखाया हाँ। गया था तो इसमें ये रितु राज पीछे पीछे था हाँ चेहरा इसी का दिखाया गया था ये रोड रेज वाला बात हम नहीं मानते हैं लेकिन था यही हाँ, म, हाँ यही मर्डर तो यही किया है ये फोटोज में दिखाया गया था कि ये लोग दो ढाई बजे से इसी गली में घूम रहे थे हम लोग देखे थे हम लोग पूरा परिवार के साथ देखे थे जो हम लोग को दिखाया गया दो का वो साल था जब पटना एयरपोर्ट से घर लौटने के दौरान ऋतुराज के द्वारा रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी इंडिगो में वो मैनेजर थे और इस पूरे मामले को लेके पटना के उस समय के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जो खुलासा किया था मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने साथियों के साथ ऋतुराज ने ही घटना को अंजाम दिया था और इस पूरे मामले को लेके जो कोर्ट का फैसला आया है ऋतुराज को बड़ी कर दिया गया है एडीजे डी नाइन अविनाश कुमार के तरफ से जो जज हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि साच के अभाव में ऋतु राज और उनके साथियों को बड़ी किया गया है हमारे साथ बात करने के लिए रुपेश जी की पत्नी नीतू सिंह जी हैं उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतने साल बीत जाने के बाद भी जो इंसाफ के लिए वो लगातार टकटकी लगाए हुए हैं आखिर क्या उन्हें इंसाफ मिला मैडम काफी वो दुखद लम्हा था और जिस प्रकार से तीन साल के ऊपर बीत चुके हैं और पटना पुलिस के तरफ से जो ऋतुराज की गिरफ्तारी हुई थी उनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई थी उनको कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया तो क्या लगता है कि इंसाफ के लिए आज भी आप कहा इंसाफ मिला इंसाफ तो नहीं मिला न्याय तो हमको नहीं मिला ना बरी कर दिया गया उन लोग को तो फिर हत्यारा कौन है कौन मारा वो लोग तो बड़ी होगा, कोई ना कोई तो मारा होगा ना उसको तो सजा मिलना चाहिए ना तो कहाँ सजा मिला कहाँ हमको इंसाफ मिला लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए 12 जनवरी 2021 का वो साल था जिस प्रकार से जो घटना हुई घर के बाहर हत्या कर दी गई और पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी शास्त्री नगर थाना में मामला दर्ज किया गया काफी हाई प्रोफाइल मामला था तमाम जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ न्याय मिलना चाहिए और जो उस समय के उपेंद्र शर्मा एसएसपी हुआ करते थे उनके तरफ से पूरा जो घटनाक्रम बताया गया कि रोड रेज को लेके ये पूरी वारदात ऋतुराज के तरफ से अंजाम दिया गया था और कोर्ट में यह पूरी प्रक्रिया चली अब देखिए कि प्रक्रिया के बाद जो सेशन कोर्ट है उसके तरफ से जो आदेश आया है आपको क्या लगता है कि पटना पुलिस की थ्योरी ही गलत थी या कुछ और बातें थी जिसे कहीं ना कहीं ढकने का काम किया गया पटना पुलिस के तरफ से वो सब हम नहीं जानते हम बस ये जानते हैं कि हमको न्याय नहीं मिला हम तो न्याय कहीं न मांग किए थे उस समय और अभी भी वही बात कह रहा है पटना पुलिस की थ्योरी तो झूठी साबित हो गई तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा जिसपे है कि हर एक मामले को सुलझाएगी तो पटना पुलिस काम तो तो तमाम थ्योरी तमाम जो तक है वो गलत साबित हो गया तो वही बात ना कर रहे हम भी आपको है? नहीं हमको किसी पे कोई शक नहीं है अब भरोसा है पटना पुलिस पे अब हम क्या भरोसा करें? क्या इंसाफ पे क्या भरोसा कर अभी बताइए ना तीन साढ़े तीन साल बीत गया सजा होगा और वो लोग रिहा हो गए तो हम क्या किससे उम्मीद लगा क्या भरोसा करें? एक और सवाल है मैम जिस प्रकार से इस पूरे केस को आप देखी होंगी काफी परेशान रही बच्चों के सर से माता पिता का साया जो पिता है उसका साया चला गया आज भी आप बहादुरी से बच्चे को पाल रही है लेकिन पुलिस ने जो तर्क दिए थे कि रोडरेज का मामला उस समय भी हम बोले थे ऐसा कुछ नहीं है उस समय भी अभी भी हम वही बात कर रहे हैं रोडरेज रोज वाला मामला है ही नहीं कुछ और कहानी है एक स्टोरी तैयार की थी क्या पटना पुलिस हो सकता है एक रोडरेज के लिए ऐसे किसी का हत्या नहीं होता है आप, हम आपको आज भी विश्वास हम नहीं हमको आज भी नहीं है विश्वास हमको उस बात पे आज भी विश्वास नहीं है रोडरेज वाला जो मामला था जो उस समय के एसएसपी एस उपेंद्र शर्मा थे उनकी जो स्टोरी थी उनके जो तर्क थे वो झूठ अब कहानी था कहानी, कहानी ही ना बनाया गया हम नहीं मानते हैं इस बात को लेकिन जिस प्रकार क्योंकि जब हुआ था तो हम भी थे गाड़ी का जब एक्सीड जो धक्का लगा था तो गाड़ी में हम भी थे ऐसा कुछ हाथा भाई या गाली ग्लौज ऐसा कुछ नहीं हुआ अच्छा, था उस समय गाड़ी में मौजूद थी जो उस समय की घटना का आप जिक्र कर रही हैं है मैम तो उस समय ये रितुराज से ही टक्कर हुई थी क्या नहीं। हम नहीं देखे थे नहीं, देखे। नहीं वो तो टक्कर लगा कुछ दूर वो फेंकाया और उसके बाद वो उठा और सॉरी सॉरी नहीं देखे थे हम किसी का चेहरा नहीं देखे थे अच्छा एक सवाल है मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब ऋतु राज की गिरफ्तारी होती है तो मैं उसके उनके घर पे गया था ऋतु राज की पत्नी और माँ से मैंने खुद बात की थी तो उनका सीधे तौर पे आरोप था कि हमारा बच्चा इस तरह से नहीं कर सकता है पुलिस ने दबाव दिया उनके साथ मारपीट अब है वो, वो लोग क्या सोचते हैं अब हम आपको कैसे बताए रोडेज का मामला पूरी तरह से जो पटना पुलिस का तर्क था वो गलत वो सब चीज नहीं। हम नहीं जानते हैं लेकिन जो हमको सीसीटीवी फोटो दिखाया गया उसमें इसी का दिखाया गया कि कैसे वो पीछे करते हुए आया यहाँ पे तो द्वारा दिखाया हाँ। गया था तो इसमें ऋतु राज पीछे पीछे था हाँ चेहरा इसी का दिखाया गया था हाँ हाँ इसी का दिखाया गया था हाँ, हाँ। लेकिन अब ये रोड रेज वाला बात हम नहीं मानते हैं लेकिन था यही, था यही। म, हाँ, हाँ यही मर्डर तो यही किया है अच्छा मर्डर मर्डर यही किया, हाँ, यह यही किया, किया है। हाँ, हाँ, हमको जो दिखाया गया था यही था जब जब हमको जो दिखाया गया वही ना हम देखे है। मैडम जिस प्रकार से जब जो समय सारणी के अनुसार रूपेश जी घर को आते थे पटना से एयरपोर्ट शाम को जो घर आते थे तो सीसीटीवी फुटेज में कहां से कहां तक का फुटेज दिखाया गया जिसमें ये ऋतुराज जो है बाइक से पीछा कर रहा था कितने साथियों के साथ का ये फोटोज में दिखाया गया था ये दो ढाई बजे से इसी गली में घूम रहे थे ये जो गली है आगे का जो हम लोग के घर नहीं है अपार्टमेंट में ओम सुद है वहाँ पे है सीसीटीवी फोटोज में दिखाया गया था चाहे पुनाइचक में भी दिखाया गया था इन लोग का गाड़ी का नंबर चाहे जो भी हमको दिखाया मतलब गया जो में तो दिखा ना हाँ, हम लोग देखे थे हम लोग पूरा परिवार के साथ देखे थे जो हम लोग को दिखाया गया हाँ हाँ, हाँ पूरे परिवार के साथ हम लोग वीडियो देखे थे सवाल उठता है ना कि अगर कोई बेवजह तो किसी के गली में या घर के पास रेकी नहीं करेगा तो सत्री स... मतलब हाँ रेकी हुआ है तो ये काम तो पुलिस का है ना पुलिस को तो गिरफ्तार की लेकिन कोर्ट ने रिहा तो ये तो उन लोग का नती थी है। अब हम इसमें क्या बताए आपको लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को लेके पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की साढ़े तीन सौ पन्ना का सौ सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसके बाद कोर्ट में सबमिट किया गया और कोर्ट के तरफ से कोर्ट में सबमिट किया गया क्या देखकर अब जज सब अपना फैसला सुनाई ये बात अभी हम नहीं जानते हैं लेकिन आप ये मानती कि की लेकिन हमको हाँ पूरा उम्मीद था कि हमको न्याय मिलेगा हम तीन साढ़े तीन साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं न्याय, न्याय के लिए तो हाँ दिया गया है कि न्याय है? नहीं अब क्या लेकिन हत्या ऋतु राज की पूरा हाँ, हाँ। मीडिया लगे सामने वो बोला भी था कि हम मारे हैं बोला था ना चलिए सीधे तौर पे नीतू सिंह जी हैं रूपेश सिंह हत्याकांड को लेके कई साल भले ही बीत चुके हैं भले ये आपके और हमारे लिए खबर हो लेकिन आज भी नीतू सिंह दर्द और तकलीफ में जी रही हैं और इस उम्मीद में है कि कभी तो इंसाफ मिलेगा लेकिन जिस प्रकार से ऋतुराज की गिरफ्तारी हुई थी लगातार ये मामला ट्रायल चल रहा था लगातार ये मामला कोर्ट में था लेकिन जो आदेश कोर्ट के तरफ से आया है और ऋतुराज और उनके अन्य साथियों को बरी किया गया ये कही कहीं ना कहीं दुखद जता रही हैं सीधे तौर पे नीतू सिंह और इनका कहना है कि आखिर मुझे इंसाफ कब तक मिल पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज भी दर्द और तकलीफ में नीतू सिंह जीने को मजबूर है कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित यादव दर्श न्यूज पटना